बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने के साथ ही प्रशासन ने नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए अपनी कमर कस ली है। गोवर्धन के कामनी इंटर कॉलेज में चल रही बोर्ड परीक्षाओं का जायजा लेने के लिए खुद जिलाधिकारी सर्वग्राम पहुंचे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाएं जहां प्रारंभ हो चुकी हैं, वहीं प्रशासन ने भी नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए अपनी कमर कस ली है। इसी के चलते गोवर्धन के कामनी गर्ल्स इंटर कॉलेज में चल रही बोर्ड परीक्षाओं का और उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद जिला अधिकारी सर्वग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय के क्लासरूम और सीसीटीवी कैमरों का तथा स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विद्यालय प्रबंधकों को नकल विहीन परीक्षा कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला अधिकारी सर्वग्राम मिश्रा ने बताया कि उन्होंने खुद परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया है, बच्चों के क्लासरूम में भी जाकर उन्होंने चेक किया है, कहीं पर भी कोई अनियमितताएं नहीं पाई गईं। वहीं नकलविहीन परीक्षाएं कराए जाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि सभी परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। यहाँ पे सर, जैसा कि आपने आज गोवर्धन कामनी इंटर कॉलेज का दौरा किया या एग्जाम चल रही है, सर क्या पता? देखिए, पूरी तरह से परीक्षा शांतिपूर्वक नकल विहीन हो रही है। हम लोग मजिस्ट्रेट, मैं स्वयं, हमारे एसडीएम, एडीएम, सारे लोग परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए ड्यूटियां भी लगाई गई हैं, लोग निकल भी रहे हैं। जो परीक्षा केंद्र आवश्यक थे, जहां पे थोड़ी संवेदनशीलता थी, वहां पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। यहां पे मैंने देखा कि इस समय कॉमर्स के और फिजिक्स के प्रश्न पत्र हैं, परीक्षा सकुशल संपन्न हो रही है, निर्विघ्न। और मैंने कंट्रोल रूम को देखा, विद्यार्थियों के कमरे में भी जाकर के मैंने निरीक्षण किया, किसी प्रकार की कोई अनियमितता यहाँ पे। कितने बच्चों का यहाँ पे फिजिक्स में लगभग 253 बच्चे हैं और कॉमर्स में लगभग 13-14 बच्चे बताए गए हैं। अटेंडेंस अभी सबकी चल रही है, क्योंकि अभी 2:20-2:25 ही हो रहे हैं, तो अभी अटेंडेंस शीट के बाद पता लग जाएगा कि कितने लोग अनुपस्थित हैं। और इसी क्रम में परीक्षा निर्विघ्न और नकल विहीन सम्पन्न हो, ये हम सब लोगों का प्रयास है।